बिलारी नगर स्थित आजाद पब्लिक स्कूल में स्वच्छता को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और सभी स्कूली बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। प्रबंधक इमाम हुसैन ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में हिस्सेदारी कर अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्होंने कहा कि हमें अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि साफ सफाई रखने से हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। प्रधानाचार्य ने गोष्ठी में बोलते हुए कहा कि हम सभी को आज ये शपथ लेनी चाहिए कि हम देश में न गंदगी होने देंगे और न ही करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए। गोष्ठी में आयशा बी आसमा, नाजेश अनम, सुभान मोहम्मद आलम, मोहम्मद जावेद आदि बच्चे तथा मेहदी हसन, राम प्रसाद तैयबा आदि स्टाफ मौजूद रहा। आज आजाद पब्लिक स्कूल बिलारी में सभी बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया गया कि हमें अपने देश के प्रति, अपने देश को, अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें हर जगह स्वच्छता, कहीं देखिए नगर पालिका कितने प्रयास कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कितना कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वच्छता के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं और तमाम सफाई के ऊपर प्रोग्राम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों को आज शपथ दिलाई कि हम भी अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाएंगे, अपनी बस्ती को स्वच्छ बनाएंगे, अपने स्कूलों को स्वच्छ बनाएंगे और हर जगह स्वच्छता का संदेश भेजेंगे जिससे हमारा देश स्वच्छ हो और बीमारियों से बचे। इस तरह की हमने बच्चों को शपथ दिलाई, सब बच्चों ने इस पर शपथ ली और कहा कि हम आज से कहीं भी गंदगी नहीं फैलने देंगे।